बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को हम फाइव पॉइंट्स में समझेंगे, या फाइव मेजर पॉइंट्स हैं जो बोहर ने समझाए थे और एटम का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट किया था। तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहला पॉस्टुलेट के प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेंगे और इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट ये था कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट और शेल। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, ये जो ऑर्बिट हैं इनकी एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन बाय -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ई एन, इसको हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट की जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो बोहर ने बताया था। यहाँ पर z क्या है, एटॉमिक नंबर, और n क्या है, ऑर्बिट नंबर। अब ये जो एनर्जी है ये होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी एनर्जी। तो एक एक करके हम ये फॉर्मूला पुट करके हम हर ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूँ ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ, तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो मैं फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालता हूँ ई वन, ई वन हो गया -13.6 जेड, जेड की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर, और फर्स्ट ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूँ तो n इक्वल टू 1 है, सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 जेड हो गया हाइड्रोजन एटम। क्या बोहर ने हमेशा हाइड्रोजन एटम की बात करी, तो इसके लिए जेड की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो -13.6 जेड स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो एन भी यहाँ पर हो जाएगा 1, तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हो गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सेकेंड ऑर्बिट की हम एनर्जी देखते हैं, फॉर्मूला वही लगाना है हमें, ई टू सेकेंड ऑर्बिट के लिए -13.6 जेड तो नहीं बदलेगा, जेड क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पर जेड इक्वल टू 1 है, तो ये 1 स्क्वायर 1 ही होगा। और सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकाल रहा हूँ तो n इक्वल टू 2, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर इसको डिवाइड करो 4 3 जे 12, तो ये हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी हो जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम बात करेंगे थर्ड ऑर्बिट की, ठीक इसी तरह थर्ड ऑर्बिट की भी एनर्जी निकालनी है, -13.6 वन स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, तो थर्ड ऑर्बिट की भी एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से आप हर ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हो। तो पहले दो पॉइंट हो गए बोहर के, पहला पॉइंट ये था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहेगा, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा और हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स रहेगी -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड इज एटॉमिक नंबर, एन इज ऑर्बिट नंबर। अब जेड हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो जेड इक्वल टू 1 है, तो इस तरीके से हम हर ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लेंगे। थर्ड पॉइंट, रेडियस ऑफ एन एटम, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट और इसके बाहर थर्ड ऑर्बिट होगा। तो ये फर्स्ट n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3,
न्यूक्लियस से पहले ऑर्बिट तक की दूरी आर वन, ये आर टू और थर्ड तक की आर थ्री। तो रेडियस का फॉर्मूला भी बोहर ने बता दिया, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज 0.529 n स्क्वायर बाई z। यहाँ पर n ऑर्बिट नंबर है और z एटॉमिक नंबर है, और हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो z इक्वल टू वन है। अगर हीलियम प्लस या हीलियम एटम की बात होती तो z टू होता, लिथियम प्लस टू लिथियम की बात होती तो z थ्री होता। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज 0.529 n स्क्वायर बाई z आंगस्ट्रॉन्ग। तो एक एक करके हम रेडियस देख लेते हैं। तो R1 जो हो जाएगा, R1 में हम n इक्वल टू वन पुट करेंगे तो n इक्वल टू वन पुट कर दो, ये भी वन, तो वन स्क्वायर बाई वन, तो ये वन ही होगा। तो R1 हो जाएगा 0.529 आंगस्ट्रॉन्ग। R2 की हम वैल्यू देखते हैं, R2 इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 स्क्वायर बाई 1, तो हो जाएगा 0.529 इंटू 4, मतलब R2 हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R1, 0.529 इंटू 4 आंगस्ट्रॉम। ठीक वैसे ही R3 निकालना है तो R3 हो जाएगा 9R1, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये तो R1 है ही, तो 9R1। तो इस तरीके से आप रेडियस ऑफ एन एटम भी निकाल सकते हो। अब हाइड्रोजन एटम में R1:R2:R3 तीनों ऑर्बिट की रेडियस का जो रेशियो होगा वो होगा 1:4:9 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये रेडियस का फॉर्मूला आपको याद रखना। ये होगा थर्ड पॉइंट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट में मैंने कहा एक m है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और ये m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसकी वेलोसिटी है v, इसकी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है r। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, वो है मास, वेलोसिटी और रेडियस का मल्टीपल। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है एम वी आर, दैट इज इक्वल टू nh/2π। तो इसका फोर्थ पॉइंट ये था कि ये जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 में से कुछ भी हो सकती है। तो द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो ये फोर्थ पॉइंट था, एंगुलर मोमेंटम इज nh/2π। अब क्वेश्चन इसमें ऐसा पूछा जाता है कि सेकेंड ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है तो उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी। तो बस n इक्वल टू आपको यहाँ 2 पुट करना है, 2h/2π, तो h/π हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट, के जो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। तो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लोअर एनर्जी ऑर्बिट एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड रीचेस टू हायर एनर्जी लेवल। अब हायर एनर्जी लेवल को ये अचीव जरूर कर लेता है लेकिन वहाँ रह नहीं सकता, वो वहाँ से लौटेगा। और इलेक्ट्रॉन जब अपर से लोअर लेवल पे आता है तो ये एनर्जी को इमिट करता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा था, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था और फिर यहाँ पर इमिट कर रहा है। तो आपको यहाँ पर आगे ये लिखना पड़ेगा, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लोअर एनर्जी ऑर्बिट एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड रीचेस टू
हायर एनर्जी लेवल व्हेन इट कम्स बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट, व्हेन इट कम्स बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट, तो ये इलेक्ट्रॉन जो गया है इसको हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट, इसको हम एक्साइटेशन कहेंगे। तो पहले एक्साइट हुआ, हायर एनर्जी लेवल पे गया, फिर लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा। व्हेन इट कम्स बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट इट इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहां पर मेजर ये 5 पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं।